आपको बता रही हूँ और बहुत ही दुखद खबर बता रहे हैं। अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया है। 67 साल की उम्र में ऋषि कपूर का निधन हुआ है। एक बड़ी दुखद खबर बॉलीवुड इंडस्ट्री से निकल के आ रही है, जहां अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया। आपको बता दें कि कुछ देर पहले, सबसे पहले इस बात की जानकारी अमिताभ बच्चन ने दी थी। खुद उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात की जानकारी दी कि ऋषि कपूर अब नहीं रहे हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री का ये दूसरा नुकसान है इस हफ्ते में, क्योंकि कल ही एक बड़ी दुखद खबर हमने अपने दर्शकों को बताई थी इरफान खान की, और आज बॉलीवुड इंडस्ट्री का दूसरा एक चहकता हुआ सितारा ऋषि कपूर, जिन्होंने काफी अच्छी फिल्में अपने दशक में की हैं, उनका आज निधन हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बहुत ही दुखद खबर आपको बता रहे हैं, ऋषि कपूर का निधन हो गया है। ऋषि कपूर की तबीयत बिगड़ने के कारण अचानक अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। इससे पहले वो 11 महीने 11 दिन अस्पताल में गुजार चुके थे, ठीक होकर घर भी लौट कर आए थे, लेकिन आज खबर जैसी ही ये लगी तो फिल्म इंडस्ट्री जगत में मातम सा छा गया, और न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री बल्कि उनके चाहने वालों में भी एक मायूसी आ गई, क्योंकि इतने अच्छे एक्टर जो लोग उन्हें पसंद करते थे, उनके फैंस थे, उनके लिए एक बुरी खबर जरूर है, क्योंकि फिल्मी जगत का एक चमकता हुआ सितारा आज उनके बीच नहीं रहा है। तो दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, जिसके कारण उन्हें दक्षिण मुंबई के सर एच एन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया ये भी जा रहा है कि पिछले एक हफ्ते से ऋषि कपूर अस्पताल में थे। ऐसे में ऋषि कपूर के भाई रणधीर कपूर ने मीडिया से इस बात की जानकारी दी थी, जिस वक्त उनसे पूछा गया था कि कैसी है उनकी तबीयत, तो उन रणधीर की तरफ से यही कहा जा रहा था कि ठीक है, जल्द ही ठीक हो जाएंगे, इलाज के लिए अमेरिका रवाना भी करने की कोशिश की जा रही थी। 2018 में ऋषि कपूर अमेरिका एक बार पहले भी गए थे। इसके बाद 3 अक्टूबर 2018 को ऋषि कपूर को कैंसर होने की खबर आई थी, जिसके बाद उनके फैंस में मायूसी आ गई थी और सब ये दुआ कर रहे थे कि जल्द ही वो ठीक हो जाएं। और इस दुखद खबर पर ये जानने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे ऋषि कपूर का निधन हुआ, क्या उन्हें बीमारी थी, क्या उन्हें इलाज दिया जा रहा था। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ रोमिल भावसार फोन लाइन से जुड़ गए मेरे सहयोगी। रोमिल जी, जैसा कि एक दुखद खबर है उनके फैंस के लिए, न सिर्फ फैंस के लिए बल्कि एक बॉलीवुड इंडस्ट्री का चमकता हुआ सितारा आज हमारे बीच नहीं रहा है। बिल्कुल बुशरा, ये बॉलीवुड के लिए लगातार दूसरे दिन बहुत ही दुखद और बहुत ही चौंका देने वाली खबर है। ऋषि कपूर आखिर 67 ईयर्स ओल्ड, 67 साल में हमको छोड़ के चले गए हैं। कल ही इनको रिलायंस हॉस्पिटल मुंबई में भर्ती कराया गया था, और अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी कि बॉलीवुड के एक बहुत ही शानदार अभिनेता और सबको दिल छूने देने वाले कलाकार, और जो अपनी एक्टिंग के दम पे जो बोलते थे, जो कला उनके अंदर थी, जिनकी हर एक एक्ट अपने आप में कुछ व्यक्त करता था, निश्चित ही उनका जाना फैंस के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। और लगातार दूसरे दिन कल इरफान खान के बाद आज ऋषि कपूर का हम सब के बीच चले जाना बॉलीवुड के लिए एक बहुत ही बड़ा सदमा है। जी रोमिल जी, दो महत्वपूर्ण जो एक कनेक्शन मैं देख पा रही हूँ, कल जैसा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ इरफान खान जी का, और दूसरी तरफ ऋषि कपूर की आज जैसी खबर आई, दो सिमिलैरिटीज यहाँ पर नजर आई कि इनसे पहले इनकी माँ का निधन हुआ, 4 दिन पहले इरफान खान की माँ का निधन हुआ था और 1 अक्टूबर 2018 को ऋषि कपूर की माँ का निधन हुआ था। बिल्कुल बुशरा, जिस तरीके से कहें कि इरफान खान का अभी कल जो हमारे बीच से चले गए, 25 अप्रैल को ही उनकी माताजी का इंतकाल हुआ था और कल वो भी हमको छोड़ के चले गए, सेम किसी 2 साल पहले की बात है 1 अक्टूबर जब ऋषि कपूर जी की माताजी का निधन हुआ था चले गए। और ऋषि कपूर की देखिए जो पहचान थी, वो पहचान अपने आप में कैसे कलाकार थी,
की थी, जिसकी कला बोलती थी, जिनका जिनके कला में वो दम थी कि एक दर्शक अपने आप को महसूस करता था उसको जब वो फिल्म देखता था। भले आप चांदनी फिल्म की बात कर लीजिए, भले आप इस उम्र के इस पड़ाव में उनकी फिल्मों को देख लीजिए, उम्र के इस पड़ाव में भी वो जो फिल्में करते थे, अभी तक उन्होंने पिछले एक साल तक जो फिल्में उनकी आई हैं उस फिल्मों में देख लीजिए, उम्र के इस पड़ाव में भी जब वो कला फिल्म करते थे तब भी उनकी फिल्म के कई चाहने वाले थे, और उन्होंने मतलब इस तरीके से वो फिल्मों को प्रस्तुत करते थे कि लगता था कि एक एक्टिंग है, एक अभिनय है जो बोल रहा है। 1970 में जो उनकी फिल्म आई थी आप लौट चलें, उसके में देखिए जिस तरह का किरदार उन्होंने लिखा निभाया था। अब पता है यही कारण है कि 1970 में बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अवार्ड से इनको नवाजा गया, 1974 में इनको फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया फिल्म बॉबी के लिए, 2008 में इनको फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो देखिए इतनी बड़ी हस्ती थी अपने आप में ये कि इनको 1974 में बॉबी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का दिया, 2008 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। तो कुल मिलाकर एक ऐसी शख्सियत का बॉलीवुड से जाना अपने आप में, वो ऐसे समय में जब एक दिन पहले बॉलीवुड का एक आंखों से बोलने वाला कलाकार हमारे बीच से गया था, उसके अगले दिन इनका जाना निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा सदमा है बॉलीवुड के लिए और मनोरंजन जगत के लिए और इनके प्रेमियों के लिए। निश्चित तौर पे बहुत लंबे समय तक याद रहने वाले हैं, और जिस तरीके से ऋषि कपूर जी हमारे बीच से गए हैं, लेकिन निश्चित ही उनका अभिनय उनकी फिल्म में लगातार जीवन भर बोलती रहेंगी और हमें याद दिलाती रहेंगी कि एक ऐसा कलाकार भी हमारे देश में था, हमारे बीच था, जिसको मैं वो ताकत थी कि जो एक हंसते हुए व्यक्ति को अपने कला के दम पर रुला देता था और रोते व्यक्ति को अपने एक्टिंग के दम पर हंसाने की ताकत रखता था। जी रोमिल जी, भारतीय संस्कृति में कहा जाता है किसी की खुशी में शामिल भले ही ना हो पर किसी के गम में जरूर शामिल होना, लेकिन विडंबना देखिए कि लॉकडाउन की स्थिति है, जाहिर है जो उनसे मिलने वाले लोग हैं उनके प्रशंसक हैं जो रोमिल जी से हमारा संपर्क टूट गया है, हालांकि बहुत सारी और जानकारियां और बहुत सारी बातें ऋषि कपूर से जुड़ी हुई हम उनसे साझा करना चाहते थे। लेकिन अपने दर्शकों को एक दुखद जानकारी हम दे रहे हैं कि अभिनेता ऋषि कपूर का निधन आज हो गया, बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। लगातार इस हफ्ते में ये दूसरी दुखद खबर है, क्योंकि कल ही बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक महान अभिनेता इरफान खान का निधन हुआ और आज ही ये दुखद खबर सामने आई है कि ऋषि कपूर भी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। इस जानकारी को सबसे पहले अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी दी, और जैसा कि मैं इस बात का जिक्र कर रही थी अपने सहयोगी रोमिल भावसार से, ये और जानकारी साझा करना चाह रही थी कि भारतीय संस्कृति में ये कहा जाता है, ये संस्कार दिए जाते हैं कि किसी खुशी में शामिल ना हो भले पर किसी के गम में जरूर शामिल होना चाहिए, लेकिन विडंबना देखिए कि लॉकडाउन की स्थिति है और ऐसे में जो उनके प्रशंसक हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके मिलने जुलने वाले हैं, उन्हें अंतिम विदाई देना चाहते हैं और उन्हें आखिर बार देखना चाहते हैं, लेकिन विडंबना यही है कि लॉकडाउन यहाँ पर मजबूरी है क्योंकि खुद को सुरक्षित रखना भी जरूरी है, लिहाजा वो अंतिम विदाई भी नहीं दे पाएंगे। यानी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि चुनिंदा लोग ही जो उनके घर के हैं वो ही उनके अंतिम विदाई समारोह में शामिल होंगे, अंतिम विदाई देने के लिए उनके घर परिवार के लोग ही पहुंचेंगे। यानी बॉलीवुड इंडस्ट्री किसी के सुख में भी साथ देती है, दुख में भी साथ देती है, लेकिन यहाँ पर ऋषि कपूर को अंतिम विदाई देने के लिए, जो एक जमघट बॉलीवुड का अमूमन किसी के सुख दुख में नजर आता था, वो आज नहीं नजर आएगा उनके साथ में अंतिम विदाई देने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है।
तो विडम्बना देखिए, ये दोनों ही जो अभिनेता रहे, चाहे वो इरफान खान हो या फिर ऋषि कपूर हो, ये दोनों ही अभिनेता अपने आप में महान अभिनेता माने जाते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के, यानी कि लोगों को लोग इन्हें काफी ज्यादा पसंद करते थे। अगर बात ऋषि कपूर की कर ली जाए, तरह तरह के किरदार इन्होंने निभाए हैं और जिस भी किरदार को इन्होंने अपने वक्त में निभाया, अपने दशक में निभाया है, प्रशंसकों ने खूब सराहा है, खूब पसंद किया है। वहीं इरफान खान हमेशा सीरियस रोल ज्यादातर करना पसंद करते थे, वो भी अपने आप में प्रशंसकों के लिए एक अलग सब्जेक्ट रहता था। यानी ये दोनों ही अभिनेता जब बॉलीवुड इंडस्ट्री से चले गए हैं तो एक बड़ा नुकसान यहाँ पर बॉलीवुड इंडस्ट्री का हुआ है, क्योंकि ये कहना गलत नहीं कि अपूर्णीय क्षति है, इनकी जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि भले ही ये दो बड़े सितारे हमारे बीच ना रहे हो, लेकिन इनकी यादें, इनकी कलाकारी, इनकी फिल्में हमेशा याद रहेंगी, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ अपने देश में, अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में दिया है एक्टिंग के जरिए। क्योंकि देखा जाए फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ फिल्में या किरदार निभाना नहीं होता है, बल्कि एक ऐसी स्टोरी, ऐसी कहानी अपने दर्शकों तक पहुंचाना होता है जो आम जीवन में होती है, उसे अलग स्टाइल में, अलग जीवन शैली के साथ में उभार करके फिल्म इंडस्ट्री दिखाती है। तो ऐसे किरदार निभाने वाले दो शख्सियतें ऋषि कपूर, इरफान खान, दोनों ही हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन हमेशा मैं इस बात को दोबारा दोहराना चाहूंगी कि इनकी फिल्में, इनकी अदाकारी, इनका जो काम है, वो हमेशा इनके प्रशंसकों में याद किया जाएगा। और आगे की जनरेशन में भी, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात कर ली जाए, जाहिर है दोनों की ही जो अभिनय इनकी तरफ से निभाए गए हैं वो एक रोल मॉडल होगा, आगे भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में इनके फैशन को, इनकी अदाकारी को याद किया जाएगा। बुलेटिन में पहले कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।